केरला टू ऑल इंडिया साइकिल राइड रिगार्डिंग पेट्रोल प्राइस हाइक, यानी कि जो बातें हर कोई करता है कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, बेहतर है कि हम साइकिल ही चला लें, ये फॉर्मूला अपना लिया है कुछ लोगों ने और वो लोग भी मेरे साथ हैं। तीन बाइक राइडर्स हैं जो केरला से पैदल और साइकिल पर निकले हैं, यानी कि कुछ लोग पैदल निकले हैं, कुछ लोग साइकिल पर निकले हैं, जा रहे हैं लद्दाख। प्लान क्या है, कैसे बना और क्या ये दीवानगी है या क्या ये जज्बा है जिसके चलते ये तीनों जो कि स्टूडेंट्स हैं ये केरला से निकले लद्दाख जा रहे हैं, वो भी साइकिल पे। माथे पे पसीना है, चेहरे पे मुस्कान है, आए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से दे आर ट्रैवलिंग ज़ीरो बजट केरला टू लद्दाख। ये ज़ीरो बजट कैसे है वो भी समझेंगे, क्योंकि पेट्रोल का तो खर्चा नहीं लग रहा लेकिन खाने का तो खर्चा हो ही जाता है। मेरे साथ है रोनी, अखिल और सिद्धार्थ। आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, ही इज़ रोनी, ही इज़ अखिल एंड ही इज़ सिद्धार्थ। तो अखिल से बात करेंगे क्योंकि लैंग्वेज बैरियर एज वी ऑल अंडरस्टैंड, ये मलयालम बोलते हैं लेकिन अखिल विल बी एबल टू स्पीक इन हिंदी थोड़ा बहुत, तो समझ लेंगे हम लोग इनके बाद। अखिल, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये प्लान कैसे बना कि लद्दाख जाना है, वो भी साइकिल पे? साइकिल पे मैं आया, तो मेरा छोटी सा ड्रीम है केरला टू लद्दाख जाएगा, तो मैं पूरा टाइम को ट्राई करने का टाइम अच्छा नहीं मिलेगा, ये टाइम मिलेगा तो आया। मैं सोलो राइडर है, मैं पंजाब अमृतसर जाया तो ये आदमी को मिलेगा, तो टीम बनाया तो जाएगा। रास्ते में आपको मिल गया, आपको लगा केरला के ही है तो साथ ही चलते हैं? नहीं, रास्ता के मिलेगा ये आदमी का, आपने सोचा साथ ही चलते हैं? हाँ, ये मुझे बताएं आप कितने दिन पहले निकले थे? मैं आया तो 52 है आज का, 52 दिन है आज का। हाउ आर यू मैनेजिंग ऑन जीरो बजट, की खाना कैसे और रुक कहाँ पे रहे हो, वेयर आर यू स्टेइंग? स्टेइंग इन माय, मेरा पास 10 डे, मैं होटल जाएगा, होटल से पास आदमी को बोला तो 10 मिलेगा, उधर के सोया और पेट्रोल पंप जाएगा, पेट्रोल पंप के 10 बना तो उधर सोएगा। तो पूरा आदमी फ्रेंड मिलेगा तो पूरा बड़ा बड़ा हेल्प है, ज़्यादा आदमी तो हेल्प करने के बाद इधर आएगा, इधर से नो प्रॉब्लम है, अच्छा है। इतनी सारी स्टेट्स आप होकर आए हैं, कौन सी स्टेट अभी तक सबसे अच्छी लगी है? पंजाब तो इधर से पूरा अच्छा है, पंजाब आदमी तो पूरा हेल्पिंग करने का अच्छा आदमी है, पूरा गाने का पीने का सोएगा तो पूरा फ्री मिलेगा, तो पंजाब है, पंजाब वेरी नाइस है। पंजाब हरियाणा इधर आया तो पूरा प्रॉब्लम नहीं है, पूरा हेल्पिंग आदमी है। जेब में कोई पैसे लेके निकले थे या बिल्कुल पैसे लेके नहीं निकले हो कि रास्ते में ही हो जाएगा? हाँ, रास्ते में दूसरा आदमी को मिलेगा तो ज़्यादा आदमी मिलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, पैसा प्रॉब्लम इधर से नहीं प्रॉब्लम है आएगा। लद्दाख में कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे जाना है या बस मोटिव यही है कि लद्दाख पहुँचना है? इधर से श्रीनगर जाएगा तो मैं नेक्स्ट प्लान के कुकिंग प्लान है, उधर जाएगा तो स्टाउ पूरा सामान मिले, परचेस करने के पास कुकिंग है, सेल करने का पैसा मिलेगा, उधर से लद्दाख जाएगा, यह प्लान है। अच्छा। प्लान का ये आदमी का मिलेगा, टीम बनाए तो जाएगा। अच्छा, ये दोनों की अब टीम बन चुकी है। मुझे बताएं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिगार्डिंग पेट्रोल प्राइस हाइक, तो ये क्यों लिखा है, ये कोई प्लान्ड मोटिव है कि प्राइस हाइक, कोई प्रोटेस्ट करने के लिए बाइक राइड चल रही है? ये बाइक से जाएगा तो पेट्रोल ज़्यादा प्राइस है, मेरा गांव केरला है, केरला टू लद्दाख जाएगा तो 15,000 का पेट्रोल आएगा, बजट ज़्यादा है, ये साइकिल से आया, ये तो मैसेज है। मुझे बताएं आप सारे स्टूडेंट्स हैं? हाँ, ये मैं स्टूडेंट नहीं है, मैं कंपनी से काम करते हैं, कोरोना आया तो कंपनी बंद है, मैं 3-4 महीने का प्लान का आया, ये प्रॉब्लम नहीं, रिटर्न जाएगा तो मैं। ये दोनों स्टूडेंट्स हैं? आप ये ट्रिवांड्रम का है, मैं कोच्चि आलपुरा का है, मैं कोच्चि है, ये ट्रिवांड्रम है, ये पूरा दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। मैं इधर गोल्डन टेम्पल आया तो उधर 3-4 दिन रेस्ट करने के एक रूम मिलेगा, उधर से मीट कर रहे हैं ये आदमी को। ये भी लद्दाख ही जा रहे हैं? हाँ, लद्दाख जाए, लद्दाख जा रहे हैं। प्लान इनका भी यही है पेट्रोल प्राइस हाइक के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं या ये प्लान तरीके से अपनी ट्रिप के लिए जा रहे हैं? मैं आया तो घूमने के आएगा, यह प्लान नहीं है, ये देखने के पास, ये मैसेज करने के, पूरा आदमी को मैसेज करने के जाए। अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि गर्मी बहुत है?
इट इज़ वेरी हॉट, केरला में भी इट इज़ वेरी हॉट, यहाँ पे भी इट इज़ वेरी हॉट, तो साइकिल के ऊपर यू आर ट्रैवलिंग, वो भी दिन के टाइम में, धूप भी बहुत है, तो हाउ आर यू मैनेज? दिन के टाइम ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा प्रॉब्लम है गर्मी, थोड़ा थोड़ा किलोमीटर जाएगा तो रस करने के जाएगा, रात को अच्छा है, ठंडा है, रात को 12 बजे तो पूरा साइकिल करने का स्टॉप करें। ज़्यादातर आप रात को साइकिलिंग करते हो कि रात को निकल जाए? रात को 12 बजे तो साइकिलिंग है, पहले ये टाइम को गर्मी टाइम को पूरा रस करना थोड़ा थोड़ा किलोमीटर जाएगा। तो घर से फ़ोन आ रहे हैं, कहाँ पहुँचे, क्या चल रहा है, कितना क्रॉस कर लिया? डेली फोन है, सुबह फ़ोन करना है तो जाएगा और रात का पहले फ़ोन करने के जाएगा। ये आपका पहला ऐसा ट्रिप है साइकिल पे इतनी दूर? हाँ, नहीं नहीं नहीं, आज फर्स्ट टाइम है। आपका फर्स्ट टाइम है? ये कोविड के बाद ही माइंड में आया कि बस सब कुछ बंद हो गया तो ट्रैवल कर लेते हैं? आज प्रॉब्लम नहीं है, आज को आया तो बॉर्डर चेकिंग है, साइकिल से अकेला आया तो प्रॉब्लम नहीं, तो इधर आया, कोई इशू नहीं है, लोगों ने बहुत मदद। नहीं इशू नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो अभी आपको देख रहे हैं, जो ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन बजट नहीं है तो सोचते हैं कि हम कैसे ट्रैवल करेंगे? पूरा आदमी को ड्रीम है, ट्रैवलिंग का ड्रीम पूरा आदमी को है, बजट इश्यू तो पूरा आदमी नहीं आएगा, बजट नहीं है तो जाने का तो मैसेज है, ये मैसेज है कि बजट नहीं भी हो तब भी ट्रैवल हो सकता है। सो हाउ हैज इट बीन आफ्टर यू लेफ्ट केरला, सो मेनी स्टेट्स दैट यू हैव सीन, व्हाट हैव यू एक्सपीरियंसड? नाइस एक्सपीरियंस, सो मेनी कल्चर्स, vibes, nice. Is it better to travel on cycle than traveling in train or bus or any other way? No sir, मैं साइकिल नहीं, इस पैदल से लिफ्ट से कोई। अच्छा। ये साइकिल कब मिली? साइकिल मैंने नहीं बारने उड़ती, वेरा रहा साइकिल। You will be traveling on foot? हाँ, ये नहीं। पैदल चलेंगे? हाँ, पैदल लिफ्ट। केरला, श्रीनगर तक या लद्दाख तक? लद्दाख। सो ही प्रेफर्स ट्रैवलिंग ऑन फुट रेदर देन बीइंग ऑन अ साइकिल, एंड प्लान तीनों का यही है कि लद्दाख जाना है। ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि तीन लोग केरला के अलग अलग इलाकों से निकले, पंजाब में जाकर मिल गए, और प्लान क्योंकि एक ही था कि लद्दाख जाना है, तो अब ये तीनों एक साथ निकल चुके हैं अपनी जर्नी पर। इन्होंने ही बताया कि रास्ते में बहुत सारे लोगों ने मदद की, रुकने में हेल्प की, खाने पीने में हेल्प की, और मदद इस तरीके से की कि अभी इस टाइम ये जम्मू में पहुंच चुके हैं और यहाँ से लद्दाख की ओर निकल चुके हैं। आप देखिए कि हमारे देश की यही खूबसूरती है कि देश में लोगों को एक कल्चर को दूसरे कल्चर को देखने का इतना जज्बा है कि वो ये नहीं देखते कि गर्मी कितनी है, धूप कितनी है, थकान कितनी होगी, ये मन की वो जिज्ञासा ही है जो इन्हें ले चलती है, और अब ये तीनों लोग लद्दाख की ओर बढ़ रहे हैं।